एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक पर एक और केस दर्ज। आलोक मौर्य के भाई पर भी एफआईआर दर्ज। ज्योति मौर्य ने नहीं तो किसने कराया केस दर्ज? ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य की मुश्किलें थमने के बजाय बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह यह है कि आलोक मौर्य पर एक और केस दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, इस बार आलोक के भाई विनोद मौर्य पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन इस मामले में ज्योति मौर्य का कोई एंगल नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आलोक और उनके भाई विनोद पर किसने केस दर्ज करवाया है। दरअसल ये मामला आलोक की भाभी और ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा से जुड़ा है, जिन्होंने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। ये केस प्रयागराज के धूमगंज थाने में दर्ज करवाया है। विनोद की पत्नी शुभ्रा की तरफ से दर्ज कराए गए इस केस में देवर आलोक मौर्य, पति विनोद मौर्य, ससुर और अपनी जेठानी समेत 7 लोगों को नामजद कराया गया है। ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा ने ससुराल वालों पर दहेज की मांग, मारपीट, धमकी, गालियां, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का भी आरोप लगाया है। केस दर्ज होने के बाद धूमगंज थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि ज्योति और आलोक मौर्य से संबंधित केस भी इसी थाने में दर्ज है। एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा और विनोद मौर्य की शादी 2009 में हुई थी। अब शुभ्रा का आरोप है कि आलोक की तरह ही उसके पति और ससुराल वालों ने उनसे झूठ बोलकर शादी की थी। हालांकि उस वक्त वो भी सरकारी अफसर बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सफलता नहीं मिली तब वो टीचर बन गई। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि उसकी सरकारी नौकरी में उसके पति या ससुराल वालों का किसी तरह का योगदान नहीं है, क्योंकि उसने अपनी नौकरी के लायक योग्यता और पढ़ाई मायके में ही पूरी कर ली थी। एसडीएम ज्योति मौर्य का आरोप है कि उसकी शादी ये बताकर की गई थी कि विनोद सरकारी विभाग में अफसर है, जबकि वो सीजीएसटी विभाग में स्टेनो ही है। इतना ही नहीं, अफसर बताकर उससे दहेज में करीब 15 लाख की ज्वेलरी, कार और घरेलू सामान ले लिए गए थे। साथ ही 5 लाख रुपए कैश भी लिया गया था। फिर भी शादी के बाद उस पर और दहेज लाने का दबाव बनाया जाता रहा और उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। वहीं शुभ्रा का आरोप है कि 10 और 15 जुलाई को भी उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बीच बचाव के लिए जब उनकी 80 साल की बूढ़ी माँ आई तो उसे धक्का तक दे दिया गया था, जिसके बाद ही उन्होंने पुलिस को फोन किया और फिर थाने में केस दर्ज करवाया गया। शुभ्रा ने पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक करीब 5 साल पहले भी उसने कर्नलगंज थाने में अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन केस दर्ज नहीं किया गया था। बहरहाल एसडीएम ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य की तरफ से किए गए केस की जांच चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।